मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, खाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं, देखो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। सो आज का मेरा वीडियो है स्टेकेशन पे, तो मैं एक नए जगह पे जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ क्रिस्टल रिजॉर्ट जो कि है मुरबाड़ में, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई गेस 70 किलोमीटर फ्रॉम थाने, 2.5 आवर्स लगता है पहुंचने के लिए। अगर आप सुबह जल्दी निकलोगे तो ट्रैफिक कम मिलेगा और आप जल्दी भी पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप लेट निकल रहे हो तो डेफिनेटली आपको 3 आवर्स तो लग ही जाएगा। तो ट्राई करना कि आप जल्दी निकल। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, लाइक काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी कॉलमिंग है, एंड डेफिनेटली आप लोग सब इंजॉय करोगे, क्योंकि हम ये शोर शराबा शहर से थोड़ा पीस लेने के लिए मैंने ऐसी जगह ढूंढी है, एंड मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को वो जगह बहुत ही अच्छा। क्रिस्टल रिजॉर्ट बहुत ही लग्जरियस और पीसफुल जगह है, मैं तो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग वीकेंड पे जा रहे हो, स्टेकेशन के लिए जा रहे हो, तो ये रिजॉर्ट आप डेफिनेटली चेकआउट करो। इस मैं पहुंचने के बाद डेफिनेटली आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, वहाँ पे उनके सारी एमिनिटीज़ बताऊंगी, और वो एमिनिटीज़ आप व्यू देख सकते हो जाते टाइम कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और वहाँ पे जितनी भी एमिनिटीज़ है ना उसमें एक छोटा सा एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। मतलब छोटा सा है बट आपको अच्छा लगेगा कि रिजॉर्ट में आपको पैकेज में वो सब इंक्लूडेड है, मिल रहा है। उनका स्टेकेशन का पैकेज होता है, वीकेंड का अलग होता है, वीकडेज का अलग होता है, फॉर कपल्स अलग होते हैं, एंड वहाँ पे विला भी मिलता है, वहाँ पे रो हाउस भी है, वहाँ पे वुडन कॉटेजेस भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन है रूम के लिए, और वो सब के डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो डेफिनेटली बता दूंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ एंजॉय करो सफर। वैसे मेरा आज का आउटफिट थोड़ा स्पोर्टी लुक आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है इसके लिए। गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और ये उनका रिसेप्शन एरिया है, दिस इज़ द रिसेप्शन। अगर आपने बुकिंग की है तो आपको यहाँ पे आना होता है,
यहाँ पे आपको बैठने के लिए वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आपको बैठने के लिए दिया है दिस, एंड पूरा सामने मंदिर है और मंदिर के ही सामने इतना बड़ा इनका पूल है। देख रहे हो इनका पूल एरिया है, यहाँ बच्चों के लिए भी पूल है, वहाँ बड़ों के लिए है, वहाँ पे रेन डांस भी है, वाटरफॉल भी है और ये बुफे एरिया है। सो गाइज हम लोग ये रिजॉर्ट में पहुँच चुके हैं। ये रिजॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, रिजॉर्ट का पूरा टूर दे देती हूँ। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से घुसते ही ये इनका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे आप बिलिंग अप जहाँ बिलिंग होता है या पूरा लॉन्च एरिया है यहाँ पे आप बैठ सकते हो, और वेटिंग एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ इनके इंडोर एक्टिविटी गेम्स के यहाँ पे, उनके पास और क्या क्या है। इनका पूरा क्लब हाउस है जिसमें इंडोर आउटडोर सब कुछ है, तो लेट्स गो। ये पूल है इनका, यहाँ से इनको पूरा पूल व्यू है। फिर उसके बाद ये इनका इंडोर एरिया है, स्पेस है जहाँ पे ये स्टार्ट होता है इनका जिम। दे डू हैव अ जिम, आप यहाँ पे आके सुबह वर्कआउट कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो विथ अमेजिंग व्यू। काफ़ी अच्छा है, सामने बारिश हो रही है, अब व्यू इंजॉय करके यहाँ पे वर्कआउट अच्छे से कर सकते हो, कैलोरीज बर्न कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट वहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। टेबल टेनिस है, कैरम है, पूल है, और फिर ये बहुत क्यूट सा बैठने के लिए ऐसा उन्होंने कैबिनेट टाइप बनाया है, एंड यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है। सो गाइज वहाँ पे कुछ लोग खेल रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना मुझे बेटर नहीं लगा, तो मैंने दिखाया। वहाँ पे आप पूल खेल सकते हो, टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है और बहुत कुछ है इंडोर एक्टिविटी में। ये इनका इंडोर था, बाहर आउटडोर भी है, आउटडोर में आप साइकिलिंग कर सकते हो और बॉल्स वगैरह रखे हैं, तो आप चाहिए तो कोई भी गेम खेल सकते हो आउटडोर में, सब कुछ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका मेन पूल एरिया और जो एक सरप्राइज है छोटा सा जो इनके पैकेज में इंक्लूडेड है। चलो तो गाइज़ ये इनका बुफे एरिया है जहाँ पे वो जो पैकेज में खाना रहता है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अभी तो फ़िलहाल खाली है, जब लगेगा तब डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ से पूल के लिए एक्सेस है डायरेक्ट, यहाँ से इनका ये पूल है, वहाँ पे वाटरफॉल है नेचुरल, यहाँ पे रेन डांस है वहाँ पे भी है और ऐसे सारी पब्लिक है। तो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इनका पूल है, काफ़ी बड़ा है पूल। इधर चिल्ड्रेन पूल्स भी है, बच्चों के लिए अलग से पूल भी बनाया है उन्होंने। यहाँ पे छोटा सा रेन डांस भी है,
वाटरफॉल भी है और आगे बड़ा सा एक रेन डांस है वो भी है। काफ़ी अच्छा है, मतलब रिजॉर्ट में उन्होंने पूरा वाटर पार्क का फीलिंग दे दिया है, मज़ा आता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो इनके पास इनका स्टीम रूम भी है और एक और चीज़ है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। चलो काफ़ी कुछ मिल रहा है आपके पैकेज में ये रिजॉर्ट में। मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब इतना सब चीज़ें मिल रही हैं बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा जल्दी कोई रिजॉर्ट में या कहीं पे भी नहीं मिलता है इतने कम प्राइस में। और इनके तीन कैटेगरी के रूम हैं और ये जो था इनका ये प्रॉपर क्लब हाउस है, मतलब ये अलग बिल्डिंग है जिसमें इनका रिसेप्शन, इंडोर एक्टिविटीज़ और पूल, जकूजी, स्टीम, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूल है और ये प्रॉपर इनकी बिल्डिंग है जहाँ ऊपर सारे एक्टिविटीज़ हैं, नीचे रिसेप्शन है और वहाँ पे ना बुफे एरिया, रेस्टोरेंट है इनका इन हाउस, तो जब भी आप लंच डिनर वगैरह करते हो तो उधर ही आना होता है। बाकी इसके आगे आधी प्रॉपर्टी बन के रेडी हो चुकी है और आधी इन प्रोसेस है, तो मैं आपको वो तीनों चीज़ दिखाऊंगी। इनके थ्री कैटेगरीज ऑफ रूम है, पहला वुडन है, दूसरा रो हाउस है और तीसरा ग्लास हाउस, ग्लास विला है। तो अगर कपल जा रहे हैं तो उनके लिए वुडन हाउस बेटर रहेगा और अगर जिनको फैमिली है तो फैमिली के लिए रो हाउस अच्छा है क्योंकि वो प्रॉपर 1 BHK का घर टाइप रहता है और 2 BHK का भी रहता है उनके पास। और विला फ्रेंड्स है, ग्रुप है, जो 5 से 6 लोग हैं या 10 लोग हैं तो वो उन लोग के लिए है। और सो इनका जो रो हाउस का प्राइस है वीकडेज में दैट इज़ अराउंड 2000 एंड वीकेंड पे 2500 होता है। ग्लास हाउस का जो प्राइस है वो वीकडेज में 2500 से लेके 2700 के बीच में रहता है एंड वीकेंड पे 2700 के अभाव ऊपर रहता है, 2700 से 3000 के बीच में रहता है। एंड जो इनका वुडन कॉटेज है वो वीकडेज में 2700 से स्टार्टिंग है और वीकेंड पे भी सेम 3000 तक उनका जाता है। वो डिपेंड उनके सीजनल पे या बुकिंग पे, तो मैं सारे बुकिंग के जितने भी डिटेल्स और नंबर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने के लिए तो आप डेफिनेटली वो नंबर को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऊपर से इनके ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताए ना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है विथ ऑल 3 टाइम्स ऑफ मील्स, सॉरी 4 टाइम का है। आपका लंच रहेगा, शाम का हाई टी रहेगा, रात का डिनर है एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है। ये सब कुछ इंक्लूडेड है, प्लस आपका स्टे भी इंक्लूडेड है इंक्लूडिंग ऑल दिस एमिनिटीज़। तो है ना अच्छी बढ़िया बात कि आपको इतने कम प्राइस में ये सारी चीज़ें मिल रही है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ के खाने का टेस्ट इज़ अमेजिंग। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, बट बिलीव मी यहाँ का खाने में कोई कमी नहीं है,
प्रॉपर उनका जो ब्रेकफास्ट है उसमें वो लोग फ्रूट्स भी देते हैं, साउथ इंडियन पोहा उपमा सब मिक्स रहता है, काफ़ी टेस्टी है। इनके लंच में भी काफ़ी वैरायटी है, बहुत टेस्टी रहता है, एंड डिनर में भी। तो इनमें मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब मैं अभी आपको आगे का दिखाया नहीं है, जो इनके रूम्स वगैरह है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था, वो सेकंड पार्ट है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि अगर आप नहीं जानते हो ये जगह के बारे में तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखो और अपना नेक्स्ट वेकेशन प्लान करो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है एंड मैं इधर आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। इनका पैकेज में इंक्लूडेड रहता है तो बुफे लगा था, तो मैं आपको बता देती हूँ ब्रेकफास्ट में वो लोग क्या क्या देते हैं। अच्छा है, लिमिटेड है चीज़ें, मतलब आप अनलिमिटेड खा सकते हो, बट अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने। सांभर, चटनी, सैंडविच, मेन्दू वड़ा, इडली, वाटरमेलन, फ्रूट्स है, और या दैट्स इट, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी भी है। चलो मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ये है इनका रो हाउस, मैं आपको फटाक से इसका टूर दे देती हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे दिखता है। आइए, एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये हॉल आता है, सोफ़ा है, टेबल है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा लोग भी है तो उनके लिए भी ये लोग बेड लगा देते हैं। फिर यहाँ पे किचन है, किचन के लिए सब कुछ दिया है उन्होंने, आप खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। एंड देन फिर ये वॉशरूम आता है, ये रूम का वॉशरूम है, एंड देन ये रूम है, यहाँ कपड़े लटकाने के लिए होल्डर दिया है, ड्रेसिंग टेबल है, फिर ये बेड है, एंड बेड के वो साइड भी बहुत अच्छा अमेजिंग व्यू है, और यहाँ से स्लाइडिंग भी है, आप डायरेक्ट खोल के बाहर भी जा सकते हैं, प्राइवेट गार्डन है। ये विंडो से बाहर का है सीन गाइस, इनका ये है ग्लास विला, ये लाइन से सारे ग्लास विला है, और ये जहाँ पे एंड करता है उसके बाद रो हाउस शुरू होता है। ये थोड़े बहुत कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। बाकी वो जो वुडन वाला वुडन कॉटेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा आगे था। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जो क्लब हाउस उनका रिसेप्शन एरिया है ना, वहाँ से ना ऐसा 5 to 7 minutes बाय कार एंड बाय टू व्हीलर आप जा सकते हो, और वॉकिंग 10 मिनट का ऐसा वॉकिंग है। तो इसके लिए मैंने आपको रो हाउस दिखा दिया है और वो ग्लास विला आपने देख ही लिया है। तो बस ये रिजॉर्ट का इतना ही था, बाकी मैं चेकआउट कर चुकी हूँ, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और ऑन द वे हमें कुछ कुछ जो उसके पास जो घूमने की जगह है मैं आपको वो भी जगह दिखा देती हूँ। फिलहाल तो हम एक जगह पे ऐसे रुके ही है जहाँ पे ये डैम है, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा मतलब नेचर व्यू है, पूरा ग्रीनरी है, और देखो डैम फ्लो, और रोड भी काफ़ी अच्छे हैं। सो अभी हम लोग एक डैम जा रहे हैं, वहाँ पे घूमेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। जब हम ऐसे ग्रीनरी वाले जगह पे आते हैं काफ़ी पीसफुल लगता है, काफ़ी मतलब मन को शांति मिलती है कि शोर शराबे शहर से ज़्यादा हम लोग दूर हम लोग ऐसे शांति जगह पे आए हैं, और ये कलर भी आँखों को बहुत शांति अच्छा लगता है, और ये नदी का आवाज़, मतलब ओवरऑल भाई पीसफुल के लिए अगर आना हो ना तो ऐसे ग्रीनरी वाले जगह पे आने का। सो प्लीज़ बारिश के सीज़न में ना डेफिनेटली ये डैम विजिट करो, इट इज़
सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग, आपको मेरे नेक्स्ट क्लिप में जरूर दिखेगा। इससे क्या होता है, ये वाली चीज से मिट्टी का मणि है, वो नीचे नीचे में बैठी है। अच्छा, ओके, मैं तो खामोश लहरों पे बहती हूँ, वो कश्ती जो ढूंढे है तुम मेरी, जैसे बारिश की बूंदों में चलती मैं हवा हूँ जो बूंदों से पूछे है कहाँ वो जहाज़ है ज़ुबान। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना नेक्स्ट वेकेशन यहाँ पे प्लान करोगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हूँ आपको नए वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।